हिंदुस्तान सालों तक गुलामी की जंजीरों में चकरा रहा, मगर आजादी की उड़ान का सपना देश के हर इंसान की आंखों में था। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। जिस दिन का इंतजार था आखिर वो दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, मगर यह आजादी इतनी सस्ती नहीं थी। आज भी देश के सिपाही इस आजादी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं ताकि हम अपने घरों में हिफाजत से रह सकें। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब ये वर्दी हमारे जिस्म पर होती है। लोग महसूस करते हैं अपने आप को सुरक्षित जब ये वर्दी देखते हैं, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं होता। जब दुनिया सोती है तब एक 16 साल का बच्चा अपने आँखों में वो सपना लिए आधी रात को दौड़ता रहता है। हर घड़ी हर पल आंखों में बस एक ही सपना होता है, इस वर्दी को पाना। जोश, जुनून और जज्बा, एक जिद है भारत मां के लिए कुछ कर दिखाने के लिए। सरहद पर बैठा हर जवान, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है। अगर ये जान जाए तो सिर्फ देश के लिए, भारत मां की हिफाजत के लिए। जिस वजह से बहते लहू का एक एक कतरा चीख चीख कर कहता है, खुश नसीब है तू जो भारत मां की लगमा की कुर्बान कर रहा है। जब तक जिंदा है वतन की हिफाजत करते रहेंगे, क्योंकि हम